अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसके तहत हम आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ ही हम उन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लेते हो, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें हमें ज़रूर से पढ़ के जाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप इन सेक्शंस को देख लेते हो तो एडीआर के पेपर में सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आओगे। हमने ऑलरेडी एडीआर के ऊपर वन शॉट वीडियो डाला हुआ है और उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एडीआर के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को समझना चाहते हैं, राइट? चलिए, हमारा ये जो एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, ये एक्ट अपने आप में चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? पार्ट वन डील करता है आर्बिट्रेशन से, फिर आता है पार्ट वन ए जो कि डील करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। पार्ट वन ए डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर पार्ट टू आता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, जिसमें दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर वन डील करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से, और चैप्टर टू डील करता है जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड से। फिर हम आते हैं पार्ट थ्री में और पार्ट थ्री के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कंसीलिएशन से। एंड लास्ट इज पार्ट फोर विच टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें मैं याद भी करा दूँ, राइट? तो हमने देखा कि हमारा जो एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, ये टोटल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है विच टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन, दूसरा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पार्ट वन ए, पार्ट टू डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, जिसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, विच इज न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड और चैप्टर टू जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड। पार्ट थ्री कंसीलिएशन एंड पार्ट फोर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। तो देर आर टोटल फोर पार्ट्स, टोटल 87 सेक्शंस
और टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। जो आठवां शेड्यूल है ये रीपील हो चुका है, तो यानी पहले कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे, अब कितने हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये कोशिश करना है कि आपके फर्स्ट पेज पर उस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर सामने हो, राइट। अब आइए पार्ट वन विच इज आर्बिट्रेशन। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, राइट। और इसके बाद शुरू होता है पार्ट वन विच इज आर्बिट्रेशन, पार्ट वन विच इज आर्बिट्रेशन। अब देखो ये जो पार्ट वन आर्बिट्रेशन है इसमें 10 चैप्टर्स हैं, इस पार्ट वन में कुल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर वन डील करता है जनरल प्रोविजन से, जनरल प्रोविजन से। सेक्शन 2 से लेकर के 6 तक अगर हम इस चैप्टर वन पार्ट वन विच इज आर्बिट्रेशन और उसके अंदर चैप्टर वन विच इज जनरल प्रोविजन इसे देखें तो इसमें आपका सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन सेक्शंस हैं, अभी हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से डेफिनेशंस को आपको पढ़ के जाना है। और सेक्शन 4 कहता है वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, इसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर सेक्शन 4 में आपको डाउट है तो आप वीडियोस देख सकते हो। तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एक है सेक्शन 2 विच इज डेफिनेशन और दूसरा है चैप्टर 4 विच टॉक्स अबाउट वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब आइए चैप्टर 2, चैप्टर 2 जो कि बात करता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 7, 8 और 9, ये तीनों सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेक्शन 7 कहता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, हमने कवर किया है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को। 8 कहता है पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो सेक्शन 8 कहता है अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था कि वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे तो उसी के बारे में है। सेक्शन 8 पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन व्हेन देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, राइट। सेक्शन 9 कहता है इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट्स, तो ये तीनों सेक्शंस चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर 3 विच टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 15 तक कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
राइट। इसमें सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि कहता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो हम जानते हैं कि जो आर्बिट्रेटर्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो हमेशा ऑड में होगा इन ऑर्डर टू रीच द मेजॉरिटी डिसीजन। हमने ऑलरेडी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ADR के उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप जा करके देख सकते हैं राइट। तो यहाँ पे सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट हो जाता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो अगर कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन गिवन अंडर चैप्टर 3 सेक्शन 10-15। तो सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स 11 इंपॉर्टेंट है जो कि कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। फिर सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है और तो ये चार सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, 12 ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और 13 चैलेंज प्रोसीजर। ठीक है, इन सेक्शंस को हमने कवर कर लिया। फिर आइए चैप्टर 4, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, आप इसे स्किप कर सकते हो। चैप्टर 5, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, इसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें दो सेक्शंस हैं जिन्हें आपको देखना है। एक है सेक्शन 20 प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चैप्टर 5 में और सेक्शन 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स 18 से लेकर के 27, इसमें दो सेक्शंस आपको ज़रूर पढ़ना है, विच इज सेक्शन 20 प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और दूसरा 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। चैप्टर 6, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। चैप्टर 6, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अट्ठाईस से लेकर के 33 तक, इसमें सेक्शन 29A इंपॉर्टेंट है, 29B इंपॉर्टेंट है। 29A टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, 30 सेटलमेंट, 31 फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, 32 टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो सेक्शन 29A, 29B, 30, 31, 32, इन पांच सेक्शंस को आपको कवर करना है चैप्टर 6 में, विच इज मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड
एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। फिर आइए चैप्टर 7 जो कि डील करता है रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, यानी अगर आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ग्रांट कर दिया है तो व्हाट इज द अनदर वे टू चैलेंज दैट आर्बिट्रल अवार्ड। इसमें सेक्शन 34 विच इज एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फिर चैप्टर 8 फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आप चाहो तो सेक्शन 35 और 36 को देख सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इन दोनों सेक्शंस को भी देख लो। कभी कभी एग्ज़ाम में इन दोनों सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगेन चैप्टर 9 विच टॉक्स अबाउट अपील नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, और चैप्टर 10 मिसलेनियस, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो पार्ट 1 आर्बिट्रेशन टोटल 10 चैप्टर्स, और उन 10 चैप्टर्स में कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आइए पार्ट 1A विच इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पार्ट 1A विच इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं 43A से लेकर के 43M तक। अब इस पार्ट 1A में विच इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका जो यूज़ है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत किया जाएगा, राइट। इसमें आपको 43A देखना है जो कि डेफिनेशन है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। 43B इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 43C इसके कॉम्पोजिशन से डील करता है, और 43D डील करता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल। तो इसमें आप केवल इन 4 सेक्शंस को देख लोगे। फिर आइए पार्ट 2 जो कि डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। फॉरेन अवार्ड क्या है? न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत, जेनेवा कन्वेंशन के तहत, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं। पार्ट 2 विच इज एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, अगर आर्बिट्रल अवार्ड किसी फॉरेन नेशन में दिया गया है तो वो क्या है? फॉरेन अवार्ड है। And if arbitral award is given in home country, then it is domestic award. Difference between domestic award, foreign award, what is foreign award, complete concept हमने cover कर लिया है, ठीक है। इसमें हमें 2 chapters देखने हैं, chapter 1 deal करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से। सेक्शन 44 से लेकर के 52 तक चैप्टर 1, और चैप्टर 2 डील करता है जिनेवा कन्वेंशन से, जिनेवा कन्वेंशन से सेक्शन 53 से लेकर के 60। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में सेक्शन 44 जो कि
न्यूयॉर्क कन्वेंशन को डिफाइन करता है उसे देखोगे। 45 कहता है पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। फिर 46 देखोगे व्हेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग। 48 कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। और 49 एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। तो इन सेक्शंस को ज़रूर देखोगे, कौन कौन से, 44, 45, 46, 48 एंड 49 न्यूयॉर्क कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन में सेक्शन 53 इंटरप्रिटेशन, 54, 55, 57 एंड 58 इन पांच सेक्शंस को देखोगे। फिर पार्ट थ्री डील करता है कंसीलिएशन से, पार्ट थ्री डील करता है कंसीलिएशन से, सेक्शन 61 से लेकर के 81। तो इसमें आप सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65 एंड 67 इन छह सेक्शंस को ज़रूर देखना है आपको। कौन कौन सा, 61 से लेकर के 65 एंड 67 कंसीलिएशन, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। फिर पार्ट फोर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस 82 से लेकर के 87, इसमें आपको 82, 83, 84 इन्हें देख लेना है अगर टाइम है तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट वन आर्बिट्रेशन, जिसमें चैप्टर वन जो कि डील करता है जनरल प्रोविजन से, उसमें भी जो सेक्शन टू है, जो डेफिनेशन सेक्शन है, अगर हम उसके बारे में बात करें, किन किन डेफिनेशंस को आपको ज़रूर पढ़ना है, तो 2A जो कि आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है, 2B आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को डिफाइन करता है उसे, 2C आर्बिट्रल अवार्ड, 2D आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 2F इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और 2G लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इन डेफिनेशंस को ज़रूर आपको कवर करना है। और अगर कुछ ऐसे सेक्शंस जिन्हें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, बताया, और अगर उन पे मैंने वीडियोस नहीं डाला है तो कुछ दिनों में डाल दूँगा, ठीक है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि आप अगर मेरे वीडियोस को देखते हो तो एक जस्टिफिकेशन हो सके आपके साथ, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझे रहो, पढ़े रहो और आपके पास प्रॉपर नोट्स, ठीक है। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।